हेलो लर्नर्स वेलकम टू बायोलॉजी ग्लोब एंड इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक विच इज़ फिजियोलॉजी ऑफ पैरासिटिज्म तो पहले हम समझते हैं कि पैरासाइट्स क्या हैं पैरासिटिज्म किस आ, किस को बोलते हैं किस किस तरह से जो पैरासाइट्स हैं वो पे अटैक कर सकते हैं वॉट आर दियर मोड्स क्या इफ़ेक्ट पड़ता है प्लांट्स के फिजियोलॉजी पर जब ये पैरासाइट उस पर अटैक करते हैं एंड वट इज द रिलेशन बिटवीन द पैरासिटिज़म एंड पैथोजेनिसिटी इन सारे टॉपिक्स को हम अंडर दैडिंग फिजियोलॉजी ऑफ पैरासिटिज्म में डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी जानते हो कि पैरासाइट नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो पैरासाइट क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज जो कि किसी अदर ऑर्गेनिजम पर या उसके ऊपर या उसके अंदर परसिसटेंस बेसिस पर रहता है और उसी से अपना फूड जो है वो ऑप्टेन करता है तो उसको बोल देते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट है मींस एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन और इन सम अदर ऑर्गेनिजम्स ऑन अ परसिस्टेंट बेसिस और वहाँ से अपना फूड ऑप्टेन करता है तो वो हो जाता है पैरासाइट अब पैरासिटिज्म क्या है ये एक प्रोसेस है विच इज़ द रिमूवल ऑफ फूड बाई पैरासाइट फ्रॉम इट्स होस्ट तो जो पैरासाइट अपने होस्ट से जो फूड का रिमूवल कर रहा है फूड को ऑप्टेन कर रहा है उसको रिमूव कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं पैरासिटिज्म जब हम प्लांट पैरासाइट की बात कर रहे हैं ठीक है जो प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट है वो क्या है ऐसे ऑर्गनिज़्म जो कि प्लांट्स से क्या हो जाएंगे बहुत एंटीमेटली एसोसिएटेड हो तो जाते हैं ये जो पैरासाइट प्लांट्स uh, के ऊपर है वो उससे प्लांट पे काफ़ी इंटीमेटली मीन्स क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं प्लांट्स पर एंड फर्दर ये पैरासाइट इस ऑर्गेनिजम्स से फूड ऑप्टेन करते हैं न्यूट्रिशन ऑप्टेन करते हैं एंड वहीं पे फर्दर उनका मल्टीप्लिकेशन होता है उनकी ग्रोथ होती है देन ये जो रिमूवल जब वो प्लांट से पैरासाइट न्यूट्रिशन ऑप्टेन कर रहे हैं वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जो होस्ट प्लांट है उसकी एफिशिएंसी जो ग्रोथ uh, में एफिशिएंसी है उसके डेवलपमेंट में जो एफिशिएंसी है वो ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगी नॉर्मली वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा नॉर्मली वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा सो जो रिमूवल ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड वाटर बाय द पैरासाइट फ्रॉम द होस्ट क्या करेगा रिड्यूस द एफिशेंसी इन नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बिकम डेट्रीमेंटल टू द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ़ रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट तो आगे जा कर के जो प्लांट का डेवलपमेंट है उसका रिप्रोडक्शन है वो सीवियरली अफेक्ट होता है बहुत सारे केसेस में ये जो पैरासिटिज्म है वो पैथोजेनेसिटी से काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड है पैरासिटिज्म का सिंपली मतलब है कि कोई भी पैरासाइट किसी होस्ट से न्यूट्रीशन को एब्ज़ॉर्व कर रहा है फूड को एब्ज़ॉर्व कर रहा है पैथोजेनिसिटी की मतलब आप जानते हो कि पैरासाइट की एबिलिटी मीन्स पैथोजिन की एबिलिटी टू कॉज डिजीज़ अगर आ, कोई भी पैथोजिन जो है वो प्लांट पे अटैक कर रहा है उसमें डिजीज कॉज कर रहा है तो हम ये कहते हैं पैथोजेनिसिटी बट क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पैरासिटिज्म है मीन्स अगर कोई पैरासाइट किसी प्लांट के ऊपर रह रहा है इन्वेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसमें आगे जा कर के डिजीज़ को कॉज करता है दैट्स so वाई ये कहा जाता है कि पैरासिटिज्म और पैथोजेनिसिटी क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स के अंदर ये जो पैरासिटिज्म की फिनोमिना है वो काफ़ी कॉमन होती है बट फॉर्चुनेटली uh, एक बात नेचर ने ऐसा सेटअप किया हुआ है कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर Uh, बहुत ही कम मीन्स फ्रैक्शन ऑफ डिज़ीज अफेक्टिंग अ क्रॉप आर प्रेजेंट मीन जो डिजीजेस का नंबर होता है एक सपोज़ uh, इस ये जो क्रॉप है इसको अफेक्ट करने वाली जो डिजीजेस होती हैं उनका नंबर काफ़ी कम होता है एंड पूरे साल में सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ डिज़ीज बिकम सीवियर और उनमें से भी कुछ ही डिजीज़ होती हैं जो सीवियर हो पाती हैं तो ये नेचर ने अपना ऑटोमेटिकली एक सेटअप किया हुआ है अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ प्लांट पैरासाइट्स मीन्स कौन कौन से इंडिविजुअल्स uh, हैं इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं पर वो सारे के सारे तो एज अ पैरासाइट काम नहीं कर रहे एज अ प्लांट पैरासाइट काम नहीं कर रहे तो इतने सारे लार्ज ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से कुछ ही मेंबर्स हैं फ्यू ग्रुप्स के जो कि पैरासाइट पैरासिटाइज करते हैं प्लांट्स को इसमें आते हैं फनजाए बैक्टीरिया मॉलिक्यूल्स, पैरासिटिक हायर प्लांट्स, पैरासिटिक ग्रीन नेमेटोड्स, प्रोटोजोआ वायरसेस एंड वायरस तो इतने जो ग्रुप हैं ऑर्गेनिज़म्स के इनमें से कुछ मेंबर्स ना ऐसा नहीं है कि सारे सारे फनजाए इन ग्रुप्स में से कुछ मेंबर्स जो हैं वो एज अ प्लान्टरासिट वर्क करते हैं अब ये प्लांट पैरासाइट की तरह वर्क क्यों कर पा रहे हैं बिकॉज इनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो जो होस्ट मींस प्लांट के अंदर जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकते हैं वहाँ पे जो कंडीशंस हैं उनको विथस्टैंड कर सकते हैं उनको सहन कर सकते हैं सो पैरासाइट्स आर सक्सेसफुल बिकॉज दे कैन इन्वेड अ होस्ट प्लांट इन्वेड कर पाते हैं इनके अंदर कैपेसिटी है कि होस्ट प्लांट में इन्वेड करेंगे वहाँ पे फीड कर सकते हैं वहाँ पे प्लोरीफरेट कर पाते हैं उनकी अंदर कैपेसिटी है और वहाँ पे जो कंडीशंस हैं उनको स्टैंड कर सकते हैं वहाँ पे उनमें सरवाइव कर सकते हैं सो दिस वाज अबाउट द रेंज ऑफ प्लांट पैरासाइट्स नाउ कुछ टर्म्स हैं लाइक बायोट्रॉप्स सेमी बायोट्रॉप्स एंड नेक्रोट्रॉप्स सो जो बायोट्रॉप्स होते हैं इन्हें हम ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी बोलते हैं तो कुछ पैरासाइट्स जैसे कि वायरस वायरसाइट्स मॉलिक्यूल्स एंड कुछ जो फास्टिडियस बैक्टीरिया फास्टीडियस बैक्टीरिया क्या होते हैं जो कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही ग्रो करते हैं इनको आप लेबोरेटरी में नहीं ग्रो करा पाओगे एंड नेमाटोड्स प्रोटोजोआ, फंजाई कॉजिंग डाउनी मिल्टू एंड बाउंड्री मिलड्यू एंड रथ्स ये बायोट्रॉप्स हैं मीन्स दे कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इन नेचर ओनली इन लिविंग होस्ट तो सिर्फ और सिर्फ इनको सर्वाइव करने के लिए लिविंग होस्ट चाहिए ही चाहिए दैट्स वाई इनको हम बोलते हैं बायोट्रॉप्स या इनको हम बोल देते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मीन्स लिविंग होस्ट चाहिए इनको सेकेंड अगर हम टर्म देखें तो वो हम बात करें नॉन ऑब्लिगेट पैरासाइट्स नॉन ऑब्लिगेट पैरासाइट्स किस किन को बोलेंगे तो वो पैरासाइट्स जिसमें कि बेसिकली फंजाए आते हैं बैक्टीरिया आते हैं जो कि लिविंग पे भी रह सकते हैं और डेड होस्ट पे भी रह सकते हैं वेरियस न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर रह सकते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं नॉन ऑब्लिगेट मींस, नेसेसरी नहीं है कि उनको लिविंग होस्ट ही चाहिए लिविंग पर भी रह सकते हैं उसके साथ साथ डेड होस्ट पे भी रह सकते हैं या लैब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट मीडिया है वहां पे भी वो सर्वाइव कर पाएंगे सो so, उनको हम बोलते हैं नॉन ऑब्लिगेट पैरासाइट्स राइट अब टर्म आता है सेमी बायोट्रॉप्स सेमी बायोट्रॉप्स किसको बोलेंगे अब जो नॉन ऑब्लिगेट पैरासाइट्स को हमने देखा उसमें से क्या होता है सम नॉन ऑब्लिगेट पैरासाइट्स लिव मोस्ट ऑफ द टाइम और मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल एस पैरासाइट बट अंडर सर्टेन कंडीशंस में ग्रो सेप्रोफेटिकली ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर इनको हम बोलते हैं सेमी बायोट्रॉप्स एंड आर कॉल्ड फैकल्टेटिव सेप्रोफॉर्स मीन्स ज़्यादातर जो टाइम है वो क्या करेंगे पैरासाइट्स के फॉर्में के फॉर्म में रहते हैं बट बट क्या होता है ये मे ग्रो बट्स ये सेप्रोफिटिकली मीन्स डेड ऑर्गेनिक मेटर पर भी ग्रो कर सकते हैं तो इन्हें हम बोल देते हैं सेमी बायोड्रॉप्स या फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स सेप्रोफाइट्स का मतलब ये होता है जो डेड ऑर्गेनिक मेटर पर ग्रो कर पाए देन आते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स फैकल्टेटिव क्या होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम डेड ऑर्गेनिक मैटर पर uh, ही रहते हैं तो फैकल्टेटिव में क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम डेड ऑर्गेनिक मैटर में रह रहे हैं मीन्स दे आर नेक्रोट्रॉप्स बट कुछ सरकमस्टांसिस uh, में जब वो लिविंग प्लांट्स uh, पर अटैक करते हैं और पैरासिटिक बन जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं फैकल्टेटिव भी पैरासाइट्स अब हम बात करते हैं मोड ऑफ़ अटैक ऑफ पैरासाइट्स मींस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो पैरासाइट्स हैं वो किस तरह से अटैक करेंगे अपने होस्ट पर तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड नॉन ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के जो तरीके हैं जो उनके वेज हैं जिसमें वो अपने होस्ट पर अटैक करते हैं और वहाँ से न्यूट्रिय ऑब्जर्व ऑबटेन करते हैं वो अलग अलग होते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो नॉन ऑब्लिकेट पैरासाइट्स होते हैं तो बहुत सारे जो नॉन ऑब्लिकेट पैरासाइट्स होते हैं वो ऐसे एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं जिससे कि जो प्लांट है जो होस्ट है उसके जो उसके जो सेल कंपोनेंट्स हैं उनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है सो मेनी नॉन ऑब्लिगेट पैरासाइट्स सिक्रीट एंजाइम्स दैट ब्रिंग अबाउट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट और ये जो नॉन ऑब्लिकेट पैरसाइट्स हैं या तो वो अकेले या फिर समटाइम्स क्या होता है कि वो कुछ ऐसे टॉक्जेंस को सिक्रिएट करते हैं जिसकी वजह से जो प्लांट्स की सेल हैं उनकी डेथ और डिसइंटीग्रेशन हो जाता है अब ये जो इनवेटिंग पैथोजिन होता है जो सेल uh, को अपनी ग्रोथ के लिए जो कंटेंट चाहिए होता है वो उसको ये पैथोजन उसको यूटिलाइज़ कर लेता है इस वजह से सेल्स की डेथ हो जाती है बहुत सारी जो फनजाएँ हैं एंड मोस्ट बैक्टीरिया वो इस तरह से एक्ट करते हैं तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत सारे जो फनजाएँ होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वो इस तरह से काम करते हैं वो कि नेक्रोट्रॉप्स की, की uh, तरह रहते हैं मीन्स ऑन नॉन लिविंग सबस्ट्रेट विद इन द लिविंग प्लांट तो लिविंग प्लांट के अंदर जो सेल्स डेड हो गई हैं उनके ऊपर ये सर्वाइव करते हैं ठीक है एंड दिस मोड इज़ लाइक दैट ऑफ द सेप्रोफाइट्स की तरह मीन्स डेड ऑर्गेनिक मैटर पर जिस तरह से रहते हैं तो प्लांट तो लिविंग है बट इसके अंदर जो सेल्स डेड हो गई हैं उस पर ये uh, बहुत सारे जो नॉन ऑब्लिकेट पैरासाइट्स हैं वो सर्वाइव करते हैं तो मेन आप जो डिफरेंस देखोगे वो ये है कि जो नॉन ऑब्लिकेट है आप देख रहे हो मीनी नॉन ऑब्लिकेट ये पैरासाइट्स अटैक करें होस्ट सेल पर और वहाँ के जो सेल्स हैं उनकी डेथ को कॉज कर रहे हैं जबकि अगर हम देखें तो जितने भी ऑब्लिकेट्स पैरासाइट हैं मीन्स मोस्ट ऑफ द मीन्स ऑल ऑब्लिकेट पैरासाइट्स और कुछ सम नॉन ऑब्लीगेट पैरासाइट्स वो सेल्स को पहले जा कर के किल नहीं करते वो क्या करते हैं उस होस्ट को पेनिट्रेट करते हैं एंड वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स को ऑप्टेन उप, करते हैं न्यूट्रिएंट्स को ऑप्टेन या तो वो सेल्स को पेनिट्रेट करके करेंगे या फिर वो क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे मीन्स या तो वो सेल्स को पेनिट्रेट कर जाएंगे या फिर वो सेल्स के क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे और वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स को ऑप्टेन करेंगे पर वो सेल्स की डेथ को कॉज नहीं करते हैं अब इन पैथोजेंस का आ, Uh, जो एसोसिएशन है अपनी होस्ट सेल के साथ वो इतना ज़्यादा इंटीमेट होता है जिसकी uh, जिसकी वजह से कंटिन्यूस एब्जॉर्बशन और डाइवर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द बॉडी ऑफ पैरासाइट वड वुड नॉर्मली बी यूटिलाइज बाय द होस्ट तो सिंपल सी बात है कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि होस्ट को यूटिलाइज करने थे वो अब कौन ले जा रहा है वो पैथोजन ले जा रहा है क्योंकि उसका जो कॉन्टैक्ट है होस्ट की सेल्स के साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज है इंटीमेट है राइट right? अब प्लांट्स के अंदर क्या होगा अब प्लांट्स के सारे न्यूट्रिएंट्स तो ये पैथोजन ले जा रहा है तो उनके अंदर डिप्लीशन हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स का न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो इससे होस्ट की जो ग्रोथ है वो तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी कम हो जाएगी लेकिन यहाँ पर क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में होस्ट की डेथ नहीं होती है मोस्ट ऑफ़ द केसेज में जबकि आपने देखा था नॉन ऑब्लिकेट में मेनी नॉन ऑब्लीगेट आपने देखा था वहाँ पर होस्ट सेल की डेथ हो जाती है सो इन द केस ऑफ द ऑब्लीगेट पैरासाइट ऑब्लीगेट पैरासाइट में क्या होगा अगर इन केस ठीक है मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर होस्ट की डेथ की नहीं होती बट मान लीजिए कोई भी ऑब्लीगेट पैरासाइट है मीन्स ऑब्लीगेट पैरासाइट का मतलब आप समझ रहे हो कि मीन्स उसे अपने सर्वाइवल के लिए लिविंग होस्ट चाहिए ही चाहिए तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो होस्ट है उसकी डेथ हो जाती है तो ओ, क्या होगा कि ये जो ऑब्लीगेट पैरासाइट है तो अब उसको क्योंकि होस्ट नहीं मिलेगा लिविंग होस्ट नहीं मिलेगा तो आगे जाकर के इस पैरासाइट की भी डेथ हो जाएगी सो इन द केस ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट, डेथ ऑफ़ द होस्ट सेल रेस्ट्रिक्ट फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पैरासाइट एंड मे रिजल्ट इन इट्स डेथ नाउ हम देखते हैं होस्ट रेंज ऑफ पैरासाइट एक पैरासाइट किस किस तरीके से जो अपने होस्ट को अफेक्ट करता है तो आप जानते हो कि पैरासाइट्स के जो अपने अपने तरीके हैं वो डिफ़र करते हैं कि किस तरह के प्लांट्स को वो अफेक्ट करते हैं मीन्स रिस्पेक्ट टू द ऑर्गन मीन्स कभी कभी क्या होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गन को या फिर पर्टिकुलर टिश्यू को ही इन्फेक्ट करता है आ, एज में वो वेरी करते हैं मीन्स कुछ जो पैरासट होते हैं वो यंग प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं कुछ जो होते हैं वो मच्योर जो पार्ट्स होते हैं उन्हें अफेक्ट करते हैं तो ये इस तरह से उनकी जो रेंज है वो वेरी करती है सो so, कुछ जो पैथोजिन है दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू सिंगल स्पीशीज़ वो मीन्स वो सिंगल स्पीशीज़ के मेम्बर को ही पैरासाइट जो है वो अटैक करेगा कुछ जो होते हैं वो एक जीनस ऑफ प्लांट को अफेक्ट करेंगे या हो सकता है कि, कि किसी हो जो पैरासाइट है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा वाइड हो सकती है मीन्स वो फैमिलीज ऑफ द हायर प्लांट्स को आ, ये वेरी करता है कुछ जो पैरासाइट्स होते हैं वो अटैक uh, uh, करेंगे स्पेसिफिकली uh, ग्रो करते हैं कुछ रूट्स पर कुछ होते हैं जो स्टेम पर ही ग्रो करेंगे या फिर कुछ लीव्स या लीवी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड सम पैथोजेंस जैसे कि वेस्कुलर पैरासाइट्स की अगर हम बात करें तो वेस्कुलर पैरासाइट क्या करेंगे वो स्पेसिफिकली अटैक करेंगे सर्टेन मीन्स पर्टिकुलर काइंड ऑफ टिश्यूज़ पे जैसे कि फ्लोएम हो गया या जाइलम तो वो क्या करें स्पेसिफिकली आप देखिए पर्टिकुलर काइंड ऑफ टिश्यूज़ पर अटैक करते हैं अगर हम एज रिगार्डिंग द एज ऑफ द प्लांट की बात करें तो कुछ जो पैथोजेंस होते हैं वो अटैक करेंगे सीडलिंग यंग जो सीडलिंग है उस पर अटैक करेंगे कुछ जो होते हैं यंग जो टेंडर मीन सॉफ्ट पार्ट्स हैं प्लांट के एंड सम पैथोजन विल स्पेसिफिकली अटैक ऑन द मेच्योर टिश्यू ऑफ द प्लांट सो ये वेरी करता है तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की अगर हम बात करें तो मेनी ऑब्लिगेट पैरासाइट आर क्वाइट स्पेसिफिक एज अ काइंड ऑफ होस्ट डे अटैक तो ऑब्लिगेट पैरासाइट के केस में देखा गया है कि वो क्या होते हैं पर्टिकुलर है कि मीन्स वो इसी तरह के आ, होस्ट पे अटैक करेंगे ऐसा क्यों है क्योंकि ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ही ये है कि लिविंग होस्ट है तो उसके साथ साथ ये जो पैरासाइट है वो सर्वाइव करेगा मीन्स वो उसके पैरेलल चल रहे हैं तो मीन्स वो डिपेंडेंट है कि ये लिविंग जो होस्ट है कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस करेगा और वो जब पैथोजन को अवेलेबल होंगे तो वो सर्वाइव कर पाएगा तो इस तरह से होता है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट पर्टिकुलर होते हैं मीन्स काइंड ऑफ होस्ट पे क्योंकि उन्हें वो चीज़ है वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए चाहिए जो एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस कर पाता है बट नॉन ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के केसेस में ऐसा नहीं होता उन्हें ऐसे कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंजाइम्स या ट नहीं रिक्वायर्ड होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करे जनरल जो एंजाइम्स होते हैं या आप कह लीजिए नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में प्रोड्यूस हैं प्रोड्यूस uh, होते हैं उन पे वो डिपेंडेंट होते हैं तो उनको ऐसा नहीं होता नॉम के केस में कि उन्हें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप का होस्ट ही चाहिए ना हम बात करते हैं डैमेजेस विच आर कॉज बाय द पैरासिटिसम पैरासिटिज्म से क्या क्या डैमेजेस हो सकती हैं तो पैरासिटिज्म बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पैथोजेनिसिटी uh, में मीन्स डिजीज़ कॉज करने में प्लांट्स के अंदर बट ऐसा सच कोई स्टडीज़ में रिलेशन नहीं पाया गया है कि अगर पैरासाइट स्ट्रोंग है तो डिजीज़ जो है वो भी uh, जो डिजीज़ वो कॉज करेगा वो बहुत ज़्यादा सीवियरिटी होगी सीवियर ही होगी मीन्स नो कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द डिग्री ऑफ पैरासिटिज्म ऑफ अ पैथोजन एंड सीवियरिटी ऑफ डिजीज इट कैन कॉज तो ऐसा पर्टिकुलर कोई कोरिलेशन नहीं पाया गया है बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है नंबर ऑफ टाइम्स कि एक बहुत ही वीक पैरासाइट होता है और वो प्लांट्स के अंदर ज़्यादा डैमेजिंग डिजीज़ कॉज करता है एज़ कंपेयर टू एक ऐसा पैरासाइट जो कि Uh, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ऑब्लिगेट पैरासाइट है बहुत सारे पैथर्जन uh, जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स हो गए एंड दोज कॉजिंग सूटी मोल्ड्स इनके अंदर कैपेसिटी है कि वो जस्ट प्लांट uh, की सरफेस पे जा करके जस्ट कवरिंग द सर्फेस ऑफ प्लांट ये डिज़ीज़ कॉज कर सकते हैं इनको ज़रूरत नहीं कि वो प्लांट को पैरासिटाइज भी करें ठीक है इन्वेट करें इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो दे आर क्वाइट स्ट्रोंग सो ऐसे टिशूज़ जो कि अफेक्ट होते हैं बाय द पैथोजिन मीन्स पैरासिटिज्म में जो अफेक्ट अफेक्टेड होते हैं टिश्यूज सो ओवरऑल अगर हम देखें तो आ, जो डैमेज प्लांट्स के अंदर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है अगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि पैरासिटिज्म में आ, जो पैरासाइट है उसने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व कर लिया तो ऐसा नहीं है काफ़ी ज़्यादा डैमेज जो है वो होस्ट के अंदर देखने को मिलती है एंड एडिशनल जो डैमेज होती है वो क्यों हो पाती है क्योंकि समटाइम्स uh, क्या होता है कि जो पैरासाइट होता है वो कुछ सब्सटेंसेस uh, को सिक्रीट करता है या फिर कुछ सब्सटेंसेस जो है वो होस्ट के अंदर प्रोड्यूस होते, है uh, होते हैं इन रिस्पॉन्स टू द पैरासाइट अब जो टिश्यूज़ अफेक्ट होते हैं बाय दिस पैरासिटिज़म तो उनके अंदर क्या होगा वो जो सिम्टम्स शो so करेंगे उनका रेस्परेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा इसके साथ साथ डिसइंटीग्रेशन या कोलैप्स हो जाता है सेल्स का विल्टिंग देखने को मिलती है एप्सीशन शो करते हैं मींस पार्ट जो होते हैं लीव्स जो हैं वो डिटैच हो जाएंगी विल्टिंग मींस जो पार्ट्स हैं उनकी जो रिजिडिटी लॉस जाएगी एप्सीशन मींस वो डिटैच हो जाएंगे वो पार्ट्स जो अफेक्टेड हैं वो उनका डिटैचमेंट हो जाएगा प्लांट्स में देव शो एबनॉर्मल सेल डिविजन को वो शो करते हैं इसके साथ साथ इन्ार्जमेंट एंड डिस इंटीग्रेशन ऑफ स्पेसिफिक कम्पोनेंट सचेज क्लोरोफिल तो इसका भी आ, हो जाता है तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या है एबिलिटी ऑफ ए पैरासाइट टू इंटरफेयर विथ वन और मोर इसेंशियल फंक्शन ऑफ द प्लान्ट देर वॉज कॉज देयर बाय कॉजिंग द डिजीज़ तो ये एक तरह से आपने पैरासिटिज्म और पैथोजेनिसिटी के बीच में रिलेशन uh, बना लिया कि एक पैरासाइट जो कि इंटरफेयर कर रहा है प्लान्स के इसेंशियल फंक्शंस में और उसमें डिजीज कॉज कर रहा है तो उसे हम बोल देते हैं पैथोजेनेसिटी नाउ वी विल टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ पैरासिटिज्म ऑन प्लांट फिजियोलॉजी इस पैरासिटिज्म का प्लांट की फिजियोलॉजी पर क्या असर पड़ता है तो फर्स्ट ऑफ हम ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस पर क्या असर पड़ता है तो so, जब पैरासाइट अटैक करता है होस्ट प्लांट पर तो वो इसमें क्लो क्लोरोसिस कॉज करता है मींस लॉस ऑफ क्लोरोफिल हो जाता है नेक्रोटिक लेजेंस या लार्ज नेक्रोटिक एरियाज आपने देखा होगा लीव्स के अंदर ये जो स्पॉट्स होते हैं जो डेड ये शेल्स होती हैं जो इस तरह के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो ये जो ग्रीन पार्ट है मीन्स जो फोटोसिंथेटिक एरिया है वो रिड्यूस जाता है सिम so, इसी तरह से जो लीव स्पॉट डिजीज हो गई या ब्लाइट एंड अदर काइंड ऑफ डिजीज होती हैं तो लीव्स का डिस्ट्रक्शन हुआ मींस जो फोटोसिंथेटिक सरफेस है प्लांट की वो कम हो गई है सो so, ओवरऑल जो क्लोरोफिल का कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है इन केस ऑफ जब पैरासाइट अटैक करता है सो दे आर डायरेक्ट टॉक्सिन्स विच इनिविट फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सो बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स भी हैं जो कि पैथोजन सेक्रेट करता है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है उसे स्टॉप कर देता है अब हम देखते हैं कि पैथोजन uh, का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द होस्ट प्लांट। तो आप जानते हो कि uh, जब पैथोजिन uh, इंटरफेयर कर रहा है uh, तो जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और वाटर का मूवमेंट होता है वो अवॉयड होता है एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जो है उनका डाउनवर्ड मोमेंट होता है तो इसमें वो जा करके इंटरफेयर करेगा सो so, इसकी वजह से क्या होगा कि डिजीज uh, कंडीशन आएगी प्लांट uh, के अंदर डिजीज कंडीशन देखने को मिलेंगी क्योंकि प्लांट्स के जो अब इस तरह का इंटरफेयर हो रहा है तो बहुत सारे पार्ट्स होंगे जिन्हें ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी न्यूट्रियस वाटर एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो वो अपने फंक्शंस अच्छे से कैरी आउट नहीं कर पाएंगे और जब वो अपने फंक्शंस कैरी आउट नहीं कर पाएंगे तो जो अदर पार्ट्स हैं प्लांट्स के वो भी क्या होंगे अफेक्ट होंगे एंड एंटायर प्लांट जो है वो डिजीज से सफ़र करेगा तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इच्स में अफेक्ट इन फॉलोइंग वेज फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरफेयर करता है विद द अबॉर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इसके साथ साथ uh, जो रूट्स से वाटर का एब्जॉर्बशन होता है उसे अफेक्ट करता है इसके साथ साथ ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर जो कि जैलम के थ्रू होता है उस पर अफेक्ट पड़ता है ट्रांसप्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर जो होता है लीफ सर्विस से वो uh, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इन केस ऑफ लीफ इन्फेक्शन एंड लास्ट इज़ इंटरफेरेंस विद ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थ्रू फ्लोएम तो फ्लोएम के थ्रू जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं uh, उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसलोकेशन होता है वो भी अफेक्टेड होता है अब हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ पैथोजन ऑन प्लान्टेस्परेशन respiration. तो रेस्परेशन respiration की जो रेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है इन द इन्फेक्टेड सेल और जैसे जैसे ये पैथोजिन होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई uh, करेगा इस्पोलेशन होगा उसका उसके साथ साथ रेस्पिरीशन और ज़्यादा इंक्रीज जाएगा इसके साथ साथ वहाँ पर अकोमलेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉलिक कम्पाउंडस ये जो फिनॉलिक कंपाउंड्स हैं ये क्या है ये और इनके जो ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं ड्यूरिंग द इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन सो इनका भी अकोमलेशन देखने को मिलता है देन हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ पैथोजन ऑन द परमिएबिलिटी ऑफ द मैमबरेन्स तो मैमब्रेन्स की परमेबिलिटी पर क्या होगा कि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी uh, uh, का चेंज हो जाना वो पहला डिटेक्टेबल रिस्पॉन्स होता है और जब सेल में इन्फेक्शन होता है तो इसकी वजह से जब परमेबिलिटी चेंज uh, हो गई है तो लॉस हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स का वाटर सोलबल जो आयन्स होंगे एंड मॉलिक्यूल्स हैं उनका सेल से लॉस हो जाएगा राइट right? अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पैथोजिन ऑन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सो पैरासिटिज्म केस में अफेक्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन बाय चेंजिंग द कंपोजिशन स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द क्रोमेटिन एसोसिएटेड विद द सेल डीएनए तो सेल डीएनए से जो एसोसिएटेड क्रोमेटिन है उसका कंपोजिशन स्ट्रक्चर वगैरह चेंज हो जाता है इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इन्फेक्टेड प्लांट्स के अंदर हायर लेवल ऑफ आर एन होता है जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है मीन्स जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म वो भी बढ़ जाते तो आरएनए काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड प्लांट्स में इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाएगा मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगी एंड प्रोटीन्स में क्या होगा ऐसी प्रोटीन्स जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में प्लांट uh, को जो डिफेंस uh, के लिए चाहिए उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा एंड देन हम बात करें लास्ट में इफ़ेक्ट ऑफ पैथोजन ऑन प्लांट रिप्रोडक्शन तो आप देख रहे हो कि पैथोजिनस हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट रिप्रोडक्शन क्योंकि uh, वो अटैक कर रहे हैं और किल, किल कर सकते हैं फ्लावर्स को फ्रूट्स एंड सीड्स को डायरेक्टली और इंटरफेयर uh, करते हैं और या फिर उनके जो प्रोडक्शन है उसे पूरी तरह से इनहिबिट कर सकते हैं सो so ये इफेक्ट था कि क्या इफेक्ट पड़ता है पैथोज़न का ऑन प्लांट फिजियोलॉजी। सो दिस वाज़ अबाउट ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ पैरासिटिज्म आई होप आपको ये क्लियर होगा एंड इफ एनी डाउट अराइज यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक्स फॉर वॉचिंग हैवे नाइस डे